अब जूता पहनकर इंटर का एग्जाम दे सकेंगे विद्यार्थी। जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जूता पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं देने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। अब इंटर की परीक्षा देने परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर जा सकेंगे। बिहार सरकार को अपने छात्र हित में फैसले बदलने पड़े। गौरतलब है कि पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये निर्देश जारी किया था कि परीक्षार्थी जूता और मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। इससे अजीब उहापोह की स्थिति देखी जा रही थी, लेकिन अब इस बदले हुए निर्णय से परीक्षार्थियों को काफी राहत मिलेगी। इंटर की परीक्षा पूरे राज्य में 1 फरवरी से शुरू हो रही है। समिति ने नया नोटिस जारी किया है। इस संबंध में सभी छात्र अभिभावक डीईओ के साथ नोडल अधिकारियों को सूचना दी गई। महाराजगंज से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो पहले तो चप्पल पहन के जाते थे, अब सरकार कोरोना के चलते अब जूता पहन के जाना है परीक्षा देने। ये खबर बहुत अच्छा लगा। पहले चप्पल पहन कर जाया करते थे, अब जूता पहन कर भी जाना है, ये बहुत अच्छा है। तो पहले एग्जाम हॉल में चप्पल पहन के जाना पड़ता था, अब जूता पहन के जाना पड़ता है, यही हमारे लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोरोना या जो भी हो उसके गाइडलाइन के अनुसार अभी पूरे उनकी विज्ञप्ति भी आ चुकी है कि अब इंटरमीडिएट और मैट्रिक के परीक्षाओं में बच्चे जो है वे मतलब जूता और मोजा के साथ विद्यालय में मतलब परीक्षा सेंटर पर आकर के परीक्षा दे सकते हैं। अब उसे बाहर खोलने की जरूरत नहीं है और निश्चित रूप से अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस पर संज्ञान लिया है और इसको इम्प्लीमेंट किया है तो ये बहुत ही अच्छा है कि सेंटर पर एक अफरा तफरी का माहौल भी रहता था और बच्चों को ठंड में खास करके मोजा और जूता खोलने में भी परेशानियां आती थी। तो ये एक अच्छा पहल है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। हम लोग एज ए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वालों के लिए भी ये एक असुविधाजनक बात है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।